और मंथन भाई क्या बना देखो झगड़ा करने जा रहे जाओ 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 मार के आना मार के आना जाओ जाओ साला होकर सीजीपी एक भाई एक पागल है क्या ढाई है यार लेकिन गर्लफ्रेंड के लिए बढ़िया है। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हम जा रहे हैं क्लास, सुबह के 11 बज रहे हैं। वेदर देखो, लिफ्ट आने का वेट कर रहे हैं हम। अभी आज पहली बार हम टाइम पे हैं कॉलेज, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम। नहीं रोज लेट आते हैं तो ये हमारा सहारा, मतलब हम इससे ऊपर टिके हुए हैं, हमारा पिलर है। अगर ये ना होता हम फेल हो जाए सारे। ये हमारा कोक और समोसा। चलो देखो लंच हो गया हमारा, लेकिन इसके चलते हम नहीं खाने गए। साले मेरे चलते कि अपने चलते, मैं बोला था मिल जाएगा। कोल्ड ड्रिंक समोसे खिला पिला के रख रहा है साला, इससे पेट भरेगा हमारा। हमने कहा था मिल जाएंगे पराठे, तुम ही कह रहे हो। देखो शाम को हम चलो तुमको बिरयानी खिलाते वहाँ पे, भेज मटका बिरयानी। आज माहौल का है खाली, हमको समझ में नहीं आ रहा। आज तो एग्जाम भी नहीं है साला। लंच हो गया हमारा, नसीब देखो कौन मिल गया राजा। आज भी यूनिवर्सिटी खाली है, लग रहा है कि एग्जाम फिर से चालू हो गया सभी का। अच्छा हाँ, रीअपेयर का क्या पिंपल्स आ गया बे, तुम जवान हो गए। तो हम पहले से ही लग रहा है रीअपेयर का एग्जाम आ गया, इसलिए सब देने गए। यहाँ एग्जाम की डेट आ गई है। हाँ भाई कल ही है, पाइथन का एक तरीका ना। तो जो यहाँ बैठा रहता है सभी तो बेकारी रहते हैं, तो उन्हीं का री लगा होगा। पाइथन और मैकेनिक्स तुम्हारा भी लगा है री? हमारा नहीं लगता। पाइथन और मैकेनिक्स हम पास है, मेरा 8.5 उसकी 3 में लगी है। पाइथन में हमारा 8.3 मतलब 83 नंबर आया। 85 तुम्हारा री है। अब तुम चाह के भी नहीं ला पाओगे उतना। मैथ्स में बताओ, मैथ्स में क्या, एक दो में तो मर्द को रीड लगता ही है। तो पाइथन में किसका लगता है, उसमें तो कॉपी पेस्ट करना रहता है, उसमें भी री आ गया। कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमको मिला ही नहीं ना इससे। ये टैलेंट होता है हमारे, हमारे खून में है चीटिंग। हम ही दिया इसका एग्जाम। ये क्या बोला तूने? मेरा भी है। देखो कैसे भी पास पास होता है, उतना नहीं सोचना है, पास पास होता है। हो गया लंच, इसके बाद 2 बजे हमारा खत्म होगा भाई क्लास। ना ना 2 से 5 है अभी, 3-4 अभी 4 है ना कट यार। 4 बजे कर, चलो तुमको बिरयानी खिलाते हैं। बिरयानी खाएंगे, नॉन वेज बिरयानी आज खाएंगे। चलो गेट के बाहर नॉन वेज बिरयानी, तुम चलो, हमको काम तो बाहर ही रहते गेट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नॉन वेज बिरयानी खाएंगे लेकिन उसके रूम नहीं जाएंगे। क्या कहेगा कि हम नहीं जाएंगे, भैया कहने लगेंगे हमारे तुमको लोग दारू पिला देंगे बाहर। अरे वो हमको बहाना मानना पड़ता है, क्या तुम्हारे रूम पे जाते तो इतना गंजा महकता है। देखो सबसे अच्छा ये जब बुलाए बहाना मार दो, भैया देख लेगा लीव तो नहीं जाने देगा। कौन बोला? बुलाओ तेरा हमरा। अच्छा एक दिन होता है बाहर जाता। कह रहा भैया मेरे मना, तुम लोग जिस दिन गेट पे आया था ना, बोला गेट पे है। देखो सही में नहीं जाना चाहिए। अब तुम बेटा बहाना मारोगे जबरदस्ती भी तो भी नहीं मानेंगे ना। हम तो भाई यही बहाना मारेंगे, लेकिन अब माने भैया तो बात करा देंगे फोन पे। हाँ तो भैया भी हाई बोल, भैया देखो जब गांजा पिला देगा जबरदस्ती। कौन पिला रहा गांजा, तुमको कौन पीता है बे? बहुत दोस्त है हमारे, पांडे को, पांडे को बताओ पनीर में चिकन मिला के खिला दे। नहीं खिलाया था, चिकन नहीं मिलाया था। चिकन नहीं मिलाया था यार, अरे ग्रेवी चिकन वाला था। और हम लोग उस दिन दे रहे तो नहीं लिया। ओके में गांजा मिला के खिला दिया था पांडे को, एक दिन चिकन का ग्रेवी और पनीर में लपेट के खिला दिया। उखा लिया बोरा भाई, अच्छा लग रहा है आज का। हेयर कटिंग दाढ़ी वगैरह कटवाना है भाई, कल कल बाहर चलेंगे। मिड टर्म 5 बजे के बाद जाएंगे। हॉस्टल में अच्छा नहीं करता, एक दाढ़ी मेरे पक गया, पापा को बोलेंगे शादी करने। दाढ़ी वगैरह हमारा बढ़ गया क्योंकि मिड टर्म में बहुत पड़े भाई, इतना टाइम नहीं था कि दाढ़ी हेयर भी कटवा पाए। इसके बाद भी री आएगा तो अब बुरा लगेगा। हमें पूर्ण बहुमत से हमें पता है कि हमारा री आएगा। नहीं हमारा नहीं आएगा, फोन फोन गवावे।
इसका आएगा, इसका आएगा, मेरा नहीं आएगा, एक में भी नहीं आएगा। पहले से कितना में है? पहले एक में भी नहीं है, सब क्लियर हो गया। अभी फॉर्म भी नहीं भरा है। हम भरा फॉर्म भी नहीं। इसका जवाब को उल्टा कर दो। मतलब समझ रहे हो, आज तक किसी पास है, बाकी मेरी हम लवली में आज तक नहीं सुने किसी का कि मतलब चार पांच में री आता है। ओरिएंटेशन में तो एग्जाम नहीं देना था, ओरिएंटेशन में एग्जाम नहीं देना था, सोचो इसीलिए उसमें पास है, एचटीएमएल में पास हो जाता है। सारा प्रैक्टिकल में भी फेल है भाई, सॉफ्ट स्किल में। उसमें तो अपना टीचर भी फेल हो जाता है अगर उससे ले लेते, हम लिख के दे रहे हैं अभी। सॉफ्ट स्किल में, सॉफ्ट स्किल में भी एक्सपर्ट थे, बहुत अच्छे थे। सॉफ्ट स्किल में भी एग्जाम नहीं देना था इसलिए पास हो गया। प्रैक्टिकल दे क्या, वो प्रैक्टिकल था, हम टीचर के आगे बस प्रेजेंट लगा देना था, पास हो गए तुम। कहानी सुनाया था टीचर को, हम कहानी सुना रहे थे, हमारा मन नहीं है बीटेक करना, घर वालों की जबरदस्ती। सारा सर को कहानी सुनाया, नंबर दिया था तब इसको। साला वहाँ भी जाके तुम रो आए इसीलिए तुमको नंबर मिला, नहीं तो घटना ना पास होते। बात सही है, हमको नहीं करनी मीटिंग। देखो भाई, हाँ मैं अपने मर्जी के मालिक, हमको कोई कुछ नहीं बोलता है कि ये करो वो करो। भाई बता रहे झूठ बोलता है बहुत। घंटा हम मेरा मन नहीं करेगा तो हम जाएंगे ही नहीं, साला गांजा पिला देगा रूम पे ले जाएगा, इसीलिए हम नहीं जाते। गंजेड़ी नशेड़ी बार आए, एक बार भी उसको किसी ने कुछ नहीं पिलाया, बोलते ही नहीं कोई कुछ, तब भी कहीं मेरा मन कर गया तो। हमको भूख नहीं लगा रहता है, लेकिन जब चिकन महकता है तो लग जाता है। वैसे ही मालूम को गांजा नहीं पीना है, लेकिन धुआं जब आएगा तो एक दो पफ लग जाएगा, तो इसलिए हम दूर रहते हैं। उधर हम ध्यान ही नहीं देंगे तो कहाँ से मन करेगा। ध्यान ही मत देना, बस बात खत्म। मास्क लगा दो है तो इंसान ही ना, लाला चाह ही जाता है। अरे तुम अपना कंपेयर नॉर्मल मनुष्य से ना किया करो, इसीलिए हम बाहर दोस्ती ने बनाया। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम एलियन हो साले। अल्लाह चौक मेरी किसका आता है तो पेपर भी नहीं तो साले। साला सीजीपीए एक भाई पागल है क्या, ढाई है यार। ढाई सीजीपीए मान हो जाएगी, रिपेयर क्लियर कर ले तो साला। मेरा 6 है तो हमको नहीं लग रहा मेरा 7 होगा ये करके, और तुमको तुम्हारा 2.5 है तो लग रहा 7 हो जाएगा। अरे क्लियर कर ले, बिना जिनके 2 तो मेरे, फिर उनकी 5 है। तुमको तो 1 महीना पहले आना पड़ेगा। कहीं पहले आएंगे, घर ही नहीं जाएगा, 7 में रियो पेर है, सॉरी 4 में। कुछ नहीं, जब पेपर हो गए तभी आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। घंटा तो पेपर उसी टाइम होगा सारा। देखो रियो पेर का पेपर होता है गर्मी छुट्टियों में, अगर देखो तुम्हारा 1-2 रियो पेर होगा बैक हो जाएगा, फिर तब बैक हो जाएगा। अबे 4 साल नहीं, वो जब डेट लाएगा, वो 4 डेट लाएगा तब भर सकते। तुम्हारा ऐसा मन थोड़ी है कि अभी मन कर रहा है भर दे। 4 चांस बचे ना अभी, तो हम एक में क्लियर कर लेंगे। अभी अगर पहले आना पड़ा तो भी नहीं ला, तो भी नहीं। मेरा एक में मेरा फट रहा है, कैसे होगा क्लियर इसका साला। 4 सबसे हम नहीं पढ़े थे तब साला मेरा 10 ही नंबर चल रहा है, पढ़ लेंगे तो काहे नहीं आएगा 10 नंबर। मैं तो फाइनल में पास हो गया था, टोटल 1 नंबर रह गया। 39 लाख री लगा लिया, मतलब एक नंबर, एक नंबर से रह गया 40 में पासिंग मार्क। उसमें आखिरी के 3 चैप्टर करके जाना, उसमें से आएगा। साला आया ही नहीं, सबको यही लगा था। एक क्वेश्चन आया वो भी बहुत टफ था, वो बना नहीं। मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया, इसीलिए उसमें लगभग सभी फेल है। लगभग सभी फेल है, इसलिए हम भी हैं, हम भी सभी में आते हैं। राजा नहीं है, राजा के क्लास में फोन निकालना अलाउ था, फोन निकालना अलाउ था। हम लिख के आए थे 20 नंबर का, सर दिए 26 नंबर, बोले यार आज इसी का सर पेपर दिए, उसमें मतलब कुछ नहीं आया तो 0 आया। सर अभी थोड़ा देर पहले बैग खींच के बोला, बोला कहीं नहीं परफॉर्म किया, बोले सर हमको पता नहीं था कि कल ही है, सो के उठ के चले आए, बोले हट, बोले अगला बार 30 में 30 लाएगा। हाँ तो वो तो ऑनलाइन होगा ना, तो इसीलिए। और मंथन भाई क्या बोला, क्लास हो गया खत्म, क्यों बच गया, क्लास हो गया हमारा खत्म। हमारा कैसा गया दिन, चले यार। देखो झगड़ा करने जा रहे, जाओ जाओ जाओ, मार के आना, मार के आना, जाओ जाओ। देखो झगड़ा होगा आज, अबे मारने किसको जा रहे हो ये तो बताओ। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर मार दिए। कहाँ है? अरे वही तो सफरिया का बैग टांगे जो खड़ा है, अब वॉशरूम में गया।
साला मार भी नहीं पाए तुम लोग, क्या क्या झगड़ा करोगे? अभी तो वॉशरूम में क्या वो लड़का, देखो झगड़ा वगैरह मत करो, यूएमसी लग जाएगा। अबे मत जाओ यार साले, यूएमसी खाने का आज मूड में लग रहे हो सारे, आज हमको ऐसा क्यों लग रहा पता नहीं, एक दो यूएमसी तुम लोग खाओगे। अरे मैम चली गई है, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत जोर से भूख लगा है। ये देखो सुबह से हमारा पहला मील, इसके पहले बस समोसा इसके चलते खाए थे हम। ये तुम्हारे चलते मेरे चलते। ये आएगा फ्राइड राइस, पनीर पराठा और चाय, केचप भी है। ये चटनी तगड़ा लगता है भाई, पूरा तीखा होता है। तो घर और बाहर रहने में डिफरेंस यही है ना, घर पे बेड पे बैठे बैठे आपको खाना मिल जाता है, लेकिन जब आप कॉलेज आते हो ना तो आपको साला भूख लगने पर भी खाना नहीं मिलता है, और घर पे बिना भूख लगे खाना मिल जाता है। पैसा देने के बाद भी लाइन में लगना पड़ता है, घर में बेड पे बैठे रहो खाना मिल जाएगा आपको, वो बिना पैसा दिए। और यहाँ पैसे के बारे में सोचो, खाना के बारे में सोचो, कहाँ खाना अच्छा मिलता है वो सोचो, उसके बाद दौड़ो। अब पहुँच गए हम रोबो पार्क। हाउ आर यू, व्हाई भाग गया तेरे, योर क्लास ओवर, देयर इज कबीर सिंह एंड वो प्रीति लास्ट सेमेस्टर। देखो सारे यहाँ कबीर सिंह प्रीति हैं, दूर दूर तक। 5 बज जाएगा ना तो सारे कॉलेज का छुट्टी हो जाएगा, फिर इसको बस बहुत भीड़ मिलेगा, इसीलिए पहले ही जा रहा है। अभी 10 मिनट टाइम है, देखो 48 हो गया, इसीलिए थोड़ा 10 मिनट पहले जा रहा है। 5 बजते ही माहौल देखो पूरा चेंज हो गया, क्लास हो गया हमारा खत्म, चलते हैं थोड़ा मूड माहौल बना के आते हैं यूनिमॉल से। चलो यूनिमॉल, ये आ गया मॉल, पूरा लवली बैग हमारा देखो फिर से बन गया, लेकिन भीड़ देखो कितना है भाई, 5 बजे के बाद ऐसा ही होता है। ये बढ़िया है पांडे के गर्लफ्रेंड के लिए, ये बढ़िया है, खुश हो जाएगी भाई। क्लास हो गया हमारा खत्म, खाना पीना खा लिए, मॉल से भी घूम लिया, अब हम चलते हैं अपने हॉस्टल। हम बैठे रहो, टाइम कितना हो गया, 18:27 मतलब 6:30 बज गए भाई, शाम के 6:30 बज गए, हम बैठे हैं रोवो पे, अब चलते हैं यहाँ से हॉस्टल। ये देखो हमारा बाबा यूट्यूब पे कुछ देख रहा है, तो अब वीडियो का मैं खत्म करते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत आराम से हो चुका, बहुत आराम से आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलो मिलते हैं बाद में।